नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र की सीधा स्थित एक विद्यालय के पास बुधवार की रात बाइक सवार युवक की ट्रक में टक्कर हो गई, जिसकी इलाज के दौरान प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही स्वजनों परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कंदरापुर थाना क्षेत्र के सीधा गांव के रहने वाले विजय 27 वर्षीय पुत्र रामबोज मौर्य की छोटी बहन रेनू की शादी बुधवार को थी, जिसकी तैयारी में पूरा परिवार लगा था और बाराती भी दरवाजे पर पहुंच गए और लोगों की आवभगत खूब हुई। तभी कोई सामान कम पड़ गया और भाई विजय बाइक से सामान लेने अनवरगंज चला आया। सामान लेकर जैसे ही सीधा स्थित विद्यालय के पास पहुंचा कि अतरौलिया की तरफ से आ रहे गन्ना नदी ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें विजय गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं काफ़ी देर तक पड़ा रहा। तभी गांव के ही एक ऑटो चालक ने देखा और उसे अपने ऑटो में लादकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस डॉक्टरों ने हालात गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जिसे घायल के परिजनों ने शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिसकी इलाज के दौरान कुछ ही देर बाद मौत हो गई। मौत की सूचना बहन की शादी में बाधा ना पड़े इसलिए परिवार वालों ने छुपाए रखा। सुबह जब बहन की डोली उठी, उसके बाद भाई की अर्थी उठी। भगवान का ऐसा कहर, वही आसपास के लोग दांतों तली उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए। मृतक अविवाहित था और तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था और दो बहन शहर स्थित एक दुकान पर मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। प्रांतीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण विभाग आजमगढ़ द्वारा 72वां मंडलीय PRD स्थापना दिवस समारोह का आयोजन स्वर्गीय सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम ब्रह्मस्थान आजमगढ़ में किया गया। PRD स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने मंडल के तीनों जनपदों आजमगढ़, महुआ, बलिया के प्रत्येक जनपद के दो दो सेक्शन PRD जवानों के द्वारा रैतिक परेड का मान प्रणाम लिया गया। राजनीति सिंह, जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी आजमगढ़ ने मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा PRD स्थापना दिवस के बारे में प्रकाश डाला। पुलिस अधीक्षक ने PRD जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्दीधारी जवानों का ना कोई धर्म है ना कोई जात है, हमारी इज्जत सिर्फ वर्दी से और किसी चीज़ से नहीं है। उन्होंने PRD जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वर्दीधारी सभी जवान, चाहे पुलिस के हों, PSC के हों या होमगार्ड के हों, सभी लोग एक समान हैं, वे आपस में तालमेल बिठाकर कार्य करें। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने सभी PRD जवानों एवं विभाग के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को PRD स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। आजमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ते ही एक और सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। कोरोना की चपेट में आने से सरायमीट थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर रामजी दुबे ने गुरुवार को इलाज के दौरान वाराणसी में दम तोड़ दिया। इससे पहले फूलपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शेर सिंह तोमर और मुबारकपुर थाने के एक दरोगा की भी कोरोना से मौत हो चुकी है। तीसरी मौत सरायमीर थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर रामजी दुबे की होने की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। 58 वर्षीय रामजी दुबे 2 सप्ताह पूर्व बीमार होने पर घर चले गए थे। वाराणसी में जांच कराए जाने पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। BHU में इलाज के दौरान रामजी दुबे सब इंस्पेक्टर ने दम तोड़ दिया। IMA की हड़ताल के विरोध में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन आजमगढ़ के चिकित्सकों ने नगर जगह जगह पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिससे आमजन को किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय असुविधा से बचाया जा सके। सभी चिकित्सक आयुर्वेदिक प्रश्नातक को सर्जरी का अधिकार मिलने के समर्थन में पिंक रिबन लगाकर मरीज देख रहे थे। नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर डीडी सिंह ने कहा कि IMA की हड़ताल उनके अड़ियल रवैये को प्रदर्शित करती है। वे जबरदस्ती सरकार को अपनी बात मनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम लोग समाज के हित में पूर्व की भांति इस बार भी चिकित्सा कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जिले में हर तरफ से नीमा चिकित्सक की चिकित्सकीय कार्य की सूचना प्राप्त हुई है। पूर्व अधीक्षक डॉक्टर VS सिंह ने कहा कि जब वे मरीजों के हितों के साथ खिलवाड़ करेंगे, तब हम लोग इसी तरह से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करते रहेंगे। सचिव डॉक्टर AS खान ने कहा कि जनता की किसी भी चिकित्सकीय समस्या के निवारण के लिए नीमा आजमगढ़ प्रतिबद्ध है। उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष राय ने कहा कि IMA के इस रवैये से हम नीमा के चिकित्सक दुगुनी ऊर्जा के साथ मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने IMA से पूछा कि मरीजों की परेशानी बढ़ाकर आप कौन सा धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि चिकित्सक का प्रथम और प्रमुख धर्म तो मरीजों की सेवा ही है। इस अवसर पर डॉक्टर अजीम अहमद, डॉक्टर विनोद गुप्ता, डॉक्टर उपमा गुप्ता, डॉक्टर डीडी सिंह, डॉक्टर VS सिंह, डॉक्टर अबू सहमा खान, डॉक्टर मनीष राय सहित जिले के सभी स्थानों पर नीमा चिकित्सक मुस्तैदी से चिकित्सीय कार्य करते रहे। आज IMA की हड़ताल के विरोध में हम नीमा आजमगढ़ के समस्त कार्यकर्ता जिले के हर कोने में, हर बाजार में,
जहाँ भी हमारा नीमा चिकित्सक है, आज हर जगह हम लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। IMA की जो ये बंदर घुड़की है कि हम काम नहीं करेंगे तो पब्लिक परेशान हो जाएगी, हम उसी के जवाब में मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार होकर आए हैं। उनकी वजह से चिकित्सा व्यवस्था हम ठप नहीं होने देंगे। मैं जिले के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी की मानिंदगी मत करिए, आपकी चिकित्सा की सारी व्यवस्था नीमा ने कर रखी है, आप अपना इलाज कराइए, आपको कोई दिक्कत ना हो, इसी के लिए हमने उनका विरोध किया है। आज चाहे कोई भी बाजार हो, फूलपुर, लालगंज, कप्तानगंज, गोडनपुर, कौड़िया, जो भी बाजार हो, हर जगह हमारे चिकित्सक पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं। IMA के पदाधिकारी बता रहे हैं कि हमारी लड़ाई नीमा से नहीं, सरकार से है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल लड़ाई उनकी सरकार से भी नहीं है, वो हम पिछली बार आपसे बताए, वो कहते हैं कि हम मिक्सोपैथी के खिलाफ हैं और सरकार ने जो सर्जरी का अधिकार दिया है ये गलत दिया है। मैं फिर से उसी बात को दोहराना चाहता हूँ कि वो जो इस दुविधा में है कि सरकार ने BMS के लोगों को सर्जरी का अधिकार दिया, वो टोटल गलत है। सरकार के नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि आयुर्वेद का PG स्नातकोत्तर ही शल्य चिकित्सा करने के लिए वैध है। जिस तरह से उनका प्लेन MBBS सर्जरी नहीं कर सकता, उसी तरह से हमारा प्लेन BMS सर्जरी नहीं कर सकता। उनके यहाँ भी सर्जरी की मान्यता सिर्फ MS को है, हमारे यहाँ भी सर्जरी की मान्यता सिर्फ MS के लिए ही है। इस गलतफहमी में वो न रहे कि हमारा BMS सर्जरी करने जा रहा है, सर्जरी वही करेंगे जो स्नातकोत्तर डिग्री धारक हो। हम IMA के विरोध में आज पूरे जिले में नीमा आजमगढ़ निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है, सारे मरीजों का इलाज हो रहा, किसी भी तरह की रुकावट कहीं से नहीं है, पूरे जिले में सारे चिकित्सक हमारे काम पर लगे हैं। इसमें मतलब अभी तक कितने मरीज आए हैं? इसमें हर जगह OPD में 50, 60, 70, 30, 40 निःशुल्क रहेगा, सबका इलाज निःशुल्क होगा। आजमगढ़ के कोतवाली थाना अंतर्गत पत्रकार ज्ञानेंद्र कुमार के पिता की मौत पर पत्रकार जगत में शोक व्याप्त हो गया। पत्रकार संघ ने शोक सभा का आयोजन करके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मृत आत्मा को शांति प्रदान करने तथा परिजनों को सहन शक्ति देने की प्रार्थना की गई। शोक सभा में पत्रकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सरोज, पत्रकार राजेश चौबे, पत्रकार सोनू सेठ, पत्रकार गौरव श्रीवास्तव, पत्रकार अवनीश उपाध्याय, पत्रकार शिवम तिवारी, पत्रकार संदीप श्रीवास्तव, पत्रकार राम सकल यादव, पत्रकार रामजीत, पत्रकार अमित खरवार, पत्रकार पद्माकर पाठक, पत्रकार प्रदीप यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। और जिले के सभी पत्रकार भाइयों ने जन संदेश के छायाकार ज्ञानेंद्र जी के पिताजी की देहावसान पे आज 2 मिनट का मौन रख करके पूरे जिले के पत्रकार शोक व्यक्त करते हुए भगवान से उनकी जो है आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रख करके जो है सभी लोगों ने शोक संवेदना प्रकट की। महाराजगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के बांसपार बिजौली का टोला बुलनापुर निवासी दीपक गुप्ता के इकलौती बेटे पीयूष का बीते बुधवार को दोपहर 2 बजे के करीब दरवाजे पर खेलते समय ही अपहरण कर लिया गया। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने बुधवार की रात में ही धारा 363 IPC के तहत केस दर्ज कर जाँच कर रही है, लेकिन गुरुवार की रात 50 लाख की फिरौती का पत्र वायरल होने पर पुलिस महकमे में खलबली मच गया। मासूम के घर के सामने फिरौती का पत्र फेंका गया था, जिसके बाद परिजनों ने पत्र को कोतवाली पुलिस को मुहैया कराया था। पत्र में अपहरणकर्ताओं ने धमकी दी कि पैसा नहीं देने पर वह बच्चे को मार देंगे और पुलिस में शिकायत करने पर भी गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस अपहरण कांड में कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद कई संदिग्धों से पूछताछ के लिए उठाया भी है। SP प्रदीप गुप्ता ने बताया कि CCTV फुटेज भी खंगाला जा रहा है, हर एंगल से जाँच की जा रही है और जल्द ही मासूम बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा। क्या कुछ कहा SP महाराजगंज ने आपको सुनवाते हैं। हो गया है, उसमें तत्काल अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारी 5 टीमें लगी हुई हैं और CCTV फुटेज देखा जा रहा है। इसके अलावा जो जिन लोगों पे शक है उन सबको सर्किल ऑफ करके थाने पर बिठाया गया है, पूछताछ हो रही है, बहुत सी चीज़ें हम कर रहे हैं और सभी एंगल से इसमें जाँच हो रही है, विवेचना हो रही है, हर ऑप्शन ओपन है और इसमें शीघ्र ही हम लोग इसमें बच्चे की बरामदगी करेंगे। सर, चिट्ठी द्वारा 50 लाख की फिरौती की बात सामने आ रही है और चिट्ठी में मांग नहीं की गई है, चिट्ठी कुछ ये लिखा हुआ है कि 50 लाख रुपये तैयार कर लो और बहुत सी बातें लिखी हैं जिससे ये लग रहा है कि कोई पड़ोस का ही या कोई जानकार व्यक्ति परिवार को जो अच्छी तरह परिचित है वो व्यक्ति होना चाहिए और इस चीज़ को भी हम संज्ञान ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा एवं कैलाश विजयवर्गीय पर राजनीतिक यात्रा के दौरान किया गया हमला लोकतंत्र की हत्या है। तो बातें डॉक्टर अखिलेश चंद्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कही है।
इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इस तरह की घटना से ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव 2021 में भाजपा 200 सीट जीतकर यहां अपनी सरकार बनाएगी। घटना के वीडियो फुटेज देखने से लगता है कि प्रायोजित किया गया था। जिस तरह से बड़े बड़े पत्थर से पथराव किए गए हैं वह सुनियोजित लग रहा है। घटना में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर अखिलेश चंद्र ने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस घटना में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। आइए सुनाते हैं इस घटना के बारे में क्या कुछ कहा डॉक्टर अखिलेश चंद्र। डॉक्टर अखिलेश चंद्र, जिला संयोजक, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी, आजमगढ़। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी और वरिष्ठ नेता श्री विजय वर्गीय जी के साथ जो पश्चिम बंगाल 24 परगना में हमला की घटना हुई है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और घोर भत्सना करता हूं। भारतीय लोकतंत्र में यह एक तरह की लोकतंत्र की हत्या है। राष्ट्रीय नेता के साथ इस तरह की अमानवीय घटना किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं की जा सकती। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिन हमारे कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं उन वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और राष्ट्रीय विचारधारा में पुनः अपनी गतिविधि में शामिल हों। इस तरह की घटना से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है और आगे आने वाले 2021 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा में हम 200 सीट जीत करके यह सुनिश्चित भी करने का सामर्थ्य रखते हैं। और मैं इस घटना में संलिप्त सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की भी उम्मीद करता हूं। अगर माननीय जेपी नड्डा जी की गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं होती तो किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे पाने का यह एक षड्यंत्र था। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे वो कार्यकर्ता जो अस्वस्थ हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके प्रति कड़ी कार्रवाई की भी मैं अनुशंसा करता हूं। धन्यवाद। आजमगढ़ के हरबंसपुर में स्टार मोबाइल फर्ट का भव्य शोरूम का भव्य उद्घाटन आज अरुण कुमार पांडे, प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आजमगढ़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में राजनीतिक हस्तियां पहुंची, जिसमें मुख्य रूप से शैलेंद्र अग्रवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष संचिता बनर्जी, पूर्व नगर उपाध्यक्ष विनय कुमार, जिला मंत्री जूही श्रीवास्तव, जिला मीडिया प्रभारी विवेक निषाद, पूर्व सचिव मृणांक शेखर सिन्हा, समाजसेवी संजय पांडे सहित भारी संख्या में शहर के प्रमुख नागरिक व व्यवसायी शामिल थे। कार्यक्रम के अंत में नगर अध्यक्ष, भाजपा जिला महिला मोर्चा व दुकान के प्रोप्राइटर मोनू विश्वकर्मा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। आजमगढ़ में देवगांव क्षेत्र के बसही गांव में 3 दिवसीय रूल आउट आजमी कप क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन रणजी T20 मुंबई के खिलाड़ी बद्री आलम उर्फ अशरफ ने फीता काटकर किया। उद्घाटन मैच एम्पायर क्लब बसई और कुरैसिया क्लब देवगांव के मध्य खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर कुरैसिया क्लब देवगांव ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर मोहम्मद हारिस, शकील अहमद, मेहताब आलम, सरफराज अहमद, मोहम्मद आदिल, सद्दाम, सलमान खान, राहिल शेख, अहमद शेख, मोहम्मद कासिम, फरहान अहमद, अफजल, मोहम्मद फहीम, उबैदुल्ला, राफी, तलहा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बच्चों ने मास्क लगाकर कोरोना से बचाव करते हुए मैच का आनंद लिया। आजमगढ़ में विकासखंड परिसर पवई में दिव्यांगजनों को भारत सरकार की एडीप योजना के अंतर्गत कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन
वैशाखी छड़ी मानसिक दिव्यांगजन हित कीट नेत्रहीन बच्चों के लिए कीट एवं कृत्रिम अंग हाथ पैर आदि उपलब्ध कराने हित चिन्हीकरण का कार्य भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जीटी रोड कानपुर एवं जिला प्रशासन के सहयोग से परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांग परीक्षण शिविर में कुल 94 दिव्यांगजन उपस्थित हुए। कैंप में मेडिकल बोर्ड द्वारा 15 दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। एलिमको की टीम द्वारा परीक्षण कर ट्राईसाइकिल हेतु 30 बैसाखी हेतु 10 व्हील चेयर हेतु 5 दिव्यांगजनों को कृत्रिम हाथ पैर के 4 कान की मशीन हेतु 10 दिव्यांगजनों का चयन किया गया। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत विकसित किए जा रहे आजमगढ़ एयरपोर्ट के समीप अवस्थित मकानों के मूल्यांकन एवं उसके भुगतान में भारी अनियमितता पाए जाने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए मामले में संलिप्त तत्कालीन मुख्य राजस्व अधिकारी विशेष भूमि अध्याधिकारी आलोक कुमार वर्मा, वर्तमान मुख्य राजस्व अधिकारी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी हरिशंकर तथा लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राघवेंद्र सिंह व अवर अभियंता विजय कुमार के विरुद्ध कठोर दंड एवं अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने की संस्तुति शासन को भेज दी है। इसके अलावा विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय में कार्यरत संबंधित पटल सहायक आनंद कुमार मिश्र के विरुद्ध भी कठोर अनुशासनिक कार्रवाई संस्तुत किए हेतु जिलाधिकारी आजमगढ़ को निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रकरण में अपेक्षित वसूली संबंधी कार्रवाई भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्राप्त विवरण के अनुसार एक शिकायती प्रार्थना पत्र जिसमें आजमगढ़ एयरपोर्ट को विकसित किए जाने हेतु एयरपोर्ट के समीप पड़ने वाले अवरोधों को हटाने में भारी अनियमितता किए जाने का उल्लेख करते हुए प्रकरण की जाँच कराए जाने की मांग की गई थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए नागरिक उड्डयन विभाग ने प्रकरण की जांच कराने हित मंडलायुक्त को निर्देशित दिया था। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने प्रकरण की जांच हेतु अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करते हुए बारीकी से जांच कर आख्या उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया था। गठित जांच समिति की आख्या से स्पष्ट हुआ कि नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा वर्ष 2018 में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत मानक के अंतर्गत आजमगढ़ हवाई पट्टी के विस्तार हेतु ALS सर्वे रिपोर्ट संलग्न कर जिलाधिकारी आजमगढ़ से हवाई पट्टी के मार्ग में पड़ रहे कतिपय अवरोधों को दूर करने का निर्देश दिया गया था, जिस पर उन्होंने ALS रिपोर्ट एवं नक्शे में इंगित क्रमांक 15 व 16 की 2 मकानों के ही मूल्यांकन हेतु अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया, जिस पर सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग ने 4 मकानों का मूल्यांकन कर आख्या प्रस्तुत की। उक्त आख्या के आधार पर भजुरामा पुत्र वंशराज के भवन का मूल्यांकन 47,277 रुपये यानी 47,47,277 रुपये, विमलावती पत्नी संतलाल का 22,21,459 रुपये, सुदामी पत्नी राम नरेश का 35,67,470 रुपये तथा विंध्याचल पुत्र शिवजिटा चौबे के मकान का मूल्यांकन 62,93,925 रुपये किया गया। जांच में भी तथ्य प्रकाश में आया कि उड्डयन विभाग द्वारा ALS सर्वे में जिन 2 मकानों का मकान संख्या 15 एवं 16 का अवरोध उत्पन्न रूप में दर्शाया गया है, उन दोनों मकानों में से केवल मकान संख्या 15 का ही मूल्यांकन किया गया है तथा उन दोनों अवरोधक मकानों के स्वामी को प्रतिकर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और न ही उन अवरोधक मकानों को अभी तक हटाया गया है। आजमगढ़ जिले के कई क्षेत्रों में मवेशियों की चोरी करने वाला गैंग काफी सक्रिय रह रहे हैं, तो वही पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की तरफ से अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जिले भर के थानों को अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में महाराजगंज पुलिस द्वारा भैंस चोर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराजगंज कोतवाली प्रभारी गजानंद चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें उसके गैंग भैंस को पिकअप में लादकर चोरी से उठा ले जाने लगा तो अपराधी के परिवार द्वारा रोकने के प्रयास करने पर ईंट चलाकर भैंस लेकर भाग गया। वादी मदन मोहन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। प्रभारी निरीक्षक गजानंद चौबे के नेतृत्व में आज टीम घटनास्थल से रवाना होकर वांछित की तलाश क्षेत्र में मौजूद थे। मुखबिर की खास सूचना मिलने पर टीम द्वारा जलालपुर पेट्रोल पंप के पास मुखबिर की निशानदेही पर खड़े हुए व्यक्ति को एक बार घेर कर पकड़ लिए। वादी मुकदमा के परिवार वालों को बुलाकर पहचान कराई गई। अभियुक्त के गिरफ्तारी की सूचना जरिए उचित माध्यम अभियुक्त की पत्नी सुबाना बानो को दिया गया। अंबेडकर नगर जनपद में रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। काम के बदले रिश्वत लेखपाल रिश्वत ले रहा था, जिसका नाम हेमंत पांडे बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में पैसा लेने के बाद लेखपाल द्वारा यह कहा जा रहा है कि नंबर 2 का पैसा सबके सामने नहीं गिना जाता।
पैसा कम होने पर ये लेखपाल धमकी दे रहा है, कह रहा है कम हुआ पैसा तो चार गुना नुकसान करूंगा। निर्माण न रोकने के बदले घूस ले रहा है और घूस न देने पर काम रुकवाने की धमकी दे रहा है। बरवा नासिरपुर गांव के राम सिधार नामक व्यक्ति से ये लेखपाल घूस ले रहा है। अकबरपुर तहसील में ये लेखपाल तैनात है, कई गांवों का चार्ज इस लेखपाल के पास है। तस्वीरें आपके सामने हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ है इस वायरल वीडियो में। काम न करवा तो जाना तो आप देर से पहले नंबर दिखाया है ना, तो वो जाके वो पूछ ले, जो पूछ ले कि जो है संक्रमण वो पट्टे पट्टा में तो जमीन ना दिखा सकता है ना। नहीं तो हम धमका हमका दे यार, पागल वाले नंबर देते हैं नंबर दे दो पैसे सबके सामने लिए जाते हैं। विश्वास होते तो अगर रहे तो मौका के जितना कम रहे हम चार मिनट हमें पास फूल अधिकार और जहाँ अपने देव ना तब जैसे हम जो तो कहे कि चलो ठीक है तो आप बनवाए देवे और का तो जब हम तो बनवाए देवे तो हम तो एक चीज़ बताए दिए हम जो बताए भाई हम देखा हम सब हम जब तक सुना जब तक तू कह नहीं दिया जब तक उन्हें हम कह नहीं दे रहे तब तक तू एक फोन चला रखा तो तुरंत फोन चला देखा। हम क्या करें भाई, तू परेशान रहा परेशान रहा, जमीन करोड़ों में कब्जा करते हो परेशान है मत बना। हम तो कहे कि जैसे भी राज को पैसे जो है गिरवा दे जो तुम्हें 1500 लेखो और उनसे ले लिया। हाँ सुन लिया वो हमारे कुल ना बतावा, जब कंप्लेंट हो गई शिकायत हो गई यार हर चीज़ जो हुई तब वो कहा तब तो ये है अगर गलत है तो तब वो नियम समारा थे तब वो कहा चल ठीक है तो बनवा देवे हम अगले जो है अगले कहिए कि जल्द मैंने व्यवस्था हो जाए अब चुप रहा बात आउट ना करें। आज तू पे जो जहाँ कुछ गीटर घर है ना वहाँ तुरंत फोन जाए जय के पास जय तुरंत नहीं खट दें हम जैसी कहे तो हम जब हाँ तो उसे आप आज बात बात न करें और सुन लें हम बताएं आज बात बात न करें तो दम हो तो जा उठवा ले हाँ तो जा तो उठवा ले छाया में रहे तो बात खत्म कर दिया तूने बात खत्म कर दिया तूने फिर बात कह रहे हो फिर हम कह रहे। ठंड का मौसम शुरू होते ही चोरों का आतंक भी शुरू हो गया है, अब उनका निशाना सरकारी विद्यालय बन गए। आपको बता दें कि आजमगढ़ की प्राथमिक विद्यालय सोनपार शिक्षा क्षेत्र सठियाव जनपद आजमगढ़ में छात्रों को पीने के लिए शुद्ध जल मिल सके उसके लिए समर्सेबल पंप की व्यवस्था कायाकल्प स्कीम के द्वारा एक सप्ताह पूर्व किया गया था। स्कूल के प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह ने बताया कि आज जब हम स्कूल पहुंचे तो वहां समर्सेबल गाय मिला जिसकी सूचना स्थानीय थाने पर दी गई है। स्थानीय पुलिस मुबारकपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। प्रधानाचार्य ने कहा कि बच्चों को पानी पिलाने के लिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, इस घटना की सूचना डीआईजी और पुलिस अधीक्षक को दे दी गई है। इस बाबत क्या कुछ कहा लक्ष्मण कुमार सिंह प्रधानाचार्य ने आपको सुनवाते हैं। कुमार सिंह प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सोनपार शिक्षा से सठिया थाना अंतर्गत मुबारकपुर का पर नियुक्त हूँ। मेरे विद्यालय पर कायाकल्प के द्वारा बच्चों के हेडवासी यूनिट के लिए समरसेबुल लगा था एक हफ्ते सप्ताह पहले, आज रात में चोरों ने उसको उठा ले गए। FIR दर्ज हो गई है? हाँ FIR हमने दर्ज करा दिया है। तो FIR दर्ज नहीं किए हैं, तहरीर लेकर के रख दिए हैं थाना अध्यक्ष महोदय। कोई मौके पुलिस अधिकारी मौके पर दो सिपाही भेजे हैं, जांच पड़ताल कर रहे थे, पता लगाने की बात कहे हैं। DIG साहब और SP साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा आप FIR कराइए फिर हम देखते हैं।